अस्सलाम वालेकुम, मैं आज लाई हूँ आपके लिए कॉफ़ी की रेसिपी। तो चलें जी, हम वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया कॉफ़ी 2 टेबलस्पून, चीनी ले लिया 2 टेबलस्पून, पानी ले लिया 2 टेबलस्पून, तीनों चीज़ें मैंने जो है ना वो एक जितनी ली हैं। तो हम इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल किया, तो आप जो है ना वो एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और फोक की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीटर का एक फ़ायदा होता है कि इससे जल्दी बीट हो जाती है। आपने इसको इतना बीट करना है कि ये क्रीमी शक्ल में आ जाए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लें जी, कॉफ़ी जो है वो विप हो चुकी है, बहुत अच्छी विप हुई हमारी कॉफ़ी। ये तकरीबन 2 से 3 कप जो है ना वो आराम से आपके बन जाएंगे। आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक खाली कप ले लिया है, उसमें मैं शामिल करूँगी कॉफ़ी 2 टेबलस्पून। आप अगर ज़्यादा काफ़ी तेज़ नहीं पीते तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा तेज़ पीते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें। अब इसमें मैं बुला हुआ दूध डालूंगी गरम गरम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो पहले दूध डाल लें कप में तो फिर कॉफ़ी डाल लें, या पहले कॉफ़ी डाल लें फिर दूध डालें, बात एक ही है क्योंकि इसको हमने आखिर पे मिक्स ही करना होता है। अब हम इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और मज़ेदार कॉफ़ी जो है वो तैयार है। इसके ऊपर आप कोको पाउडर या कॉफ़ी जो है ना वो डाल सकते हैं। मैंने कोको पाउडर डाला था 1 कप में और 1 में जो है वो कॉफ़ी डाली थी। देखिए, अगर दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो सोचेंगे पीने में कैसी मिलेगी। यहाँ पे मैंने जो है वो एक शीशे का कप ले लिया, उसमें भी मैंने काफ़ी जो है ना वो डाल लिया। अब इसमें मैं गरम गरम दूध डालूंगी, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी जो है वो डाली थी। 1 कप में मैंने कोको पाउडर 1 मिनट जो है ना वो कॉफ़ी डाली है। आपको जो फ्लेवर पसंद है आपको इसके ऊपर डालूँ। तो मज़ेदार कॉफ़ी तैयार है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।